अरे हमारी बहू रानी को कहाँ छुपा रखा है? बेस्ट होगा उसे बुलवा दे, हमारे गेस्ट मिलना चाहते हैं, उतावले हो रहे हैं। जी हम अभी आए। ताला कैसे टूटा? किसने तोड़ा होगा? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। छाया, हाँ? अच्छा हुआ तुम मिल गई। गुंजन और रचना को कहीं दिखा है क्या? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं, हमें भी कहीं नहीं दिखी। फिर कहाँ चली गई वो दोनों? क्या बात है, इतनी घबराई क्यों? जीजी, गुंजन और रचना का कहीं पता नहीं चल रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही है। छाया, तुम हमारे साथ चलो, हम घर में दूसरी जगह भी देखते हैं। जी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भगवान, अब कोई अड़चन ना है, इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। कुछ पता चला? नहीं, वो हमने अरे हमें जस्ट कोई बताएगा कि यहाँ चल के आ रहा है? कहाँ है हमारी बहू रानी? हमें तो लग रहा है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है। बेस्ट है, हम भी उसे ढूंढ रहे। मतलब बस आती होगी। आप तो जानती है ना सावित्री जी, आजकल की लड़कियों का सजना सवरना कभी खत्म ही नहीं होता। रचना बेटा, तुम्हारी उससे कोई बहस या लड़ाई हुई थी क्या? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे कहाँ जा सकती हो? सावित्री जी, आप सबको बुला रहे हैं। उनके सभी गेस्ट आ गए, चलिए। क्या हुआ? आप सब लोग कितने घबराए हुए थे लग रहे हैं। मयंक बेटा, कुंजन कहीं चली गई है। चली गई? कहाँ जाएगी ताई जी, यहीं कहीं होगी। बेटा, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, सभी जगह देख लिया, कहीं नहीं है। वो पीछे के दरवाजे का ताला भी टूटा हुआ था, पता नहीं वहां से कौन आया कौन गया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसको फोन करता हूँ। फोन तो यही है। ये तो भाई साहब, हमें लगता है कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, आज के दिन हमें घर में पुलिस बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई साहब, लेकिन एक सेकेंड, मैं गुंजन के फोन से उसके फ्रेंड्स को फोन करता हूँ, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, पता नहीं ये सब उसी के साथ क्यों होते रहता है, एक के बाद एक उस पर ही आफत क्यों आती जा रही है। जाने कहाँ होगी हमारी बच्ची। अभी आप चिंता मत कीजिए, हम देख कर आते हैं। हर बात में, हर काम में ड्रामा। अरे अब अंगूठी अलमारी में है और अलमारी की चाबी खो गई, बताइए टू मच है। मॉम प्लीज, जरा उनकी हालत के बारे में सोचिए, बेचारे वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से आप और आपका तमाशा।
पैट मॉम को समझाइए, मुहूर्त 9:45 तक का है और अभी अभी कितना टाइम बाकी है, प्लीज मॉम रिलैक्स। और वैसे भी मामा जी कितने दिनों बाद घर आए, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए ना। यार बिल्कुल ठीक कह रहा है सावित्री, हाँ हाँ हम ही मिले हैं सबको शाउट करने के लिए, कर लीजिए सब। मॉम मेरी सगाई है, आज के दिन आप मुझसे नाराज होंगी। स्माइल प्लीज, स्माइल। अच्छा ठीक है, क्या इतनी देर हुई, थोड़ी देर और सही माय डियर विहान के लिए। आई लव यू मॉम। लव यू, लव यू। है गुंजन को चिट्ठी मिल गई है, तभी वे गायब है यहां से, ताकि ये सगाई हो जाए। अब कैसे भी करके ये सगाई की रस्में जल्दी से निपटा देनी चाहिए। आप ठीक तो है ना? और ये बताइए कि वो लोग कौन थे, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रचना, रचना की सगाई। हाँ, रचना की सगाई, मुझे रचना की सगाई में जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मयंक को फोन किया, वो आता ही होगा, आपको लेके जाएंगे। अब गुंजन, गुंजन ये सब क्या हो गया? उठो, उठो। ये ओके, तुम ठीक हो ना गुंजन? चलो कुछ घर चले। कम आओ, कम। थैंक यू। क्या पप्पी यही कहोगे कि हमें साथ नहीं होना चाहिए? क्या आपको अब भी यही लगता है कि मैं आपको अकेला छोड़कर चला जाऊं? खुद ही सोचिए ना साहिबा जी, आप यहां बनारस में रणवीर के साथ आई और मैं मलिका के साथ। जिंदगी ने एक बार हमें फिर से दोबारा मिला दिए। हे बेटा पहराओ, इंतजार किसका? माई डियर विहान, टू लेट हो गया अब तो। हाँ रिंग डालो विहान। रचना,
गुंजन तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ ऐसे हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मौसी जी और बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई हूँ। रचना की खुशी में शामिल होने के लिए उसके स्पेशल दिन पर। रचना तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अरे गुंजन तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना स्टेज पे सबके साथ। हाँ गुंजन बेटा आओ यहां हमारे पास आओ। गुंजन हमारी रचना की बहन से बढ़कर ही नहीं बल्कि इसकी सबसे अच्छी दोस्त है ना? अब तब तो हक बनता है। साली है माय डियर विहान की। शुरू करें? जी जी बिल्कुल। ये देखिए हीरे की अंगूठी। हमारा चैलेंज है कि ऐसी रिंग पूरे शहर में नहीं मिलेगी। अरे हीरे जैसी बहू के लिए हीरे से कम थोड़ी ना कुछ दे सकते थे। अब आइडियर विहान लो पकड़ो। डियर विहान जाओ शर्माओ मत। I'll make it very simple. मेरी शादी रचना के साथ फिक्स हुई थी लेकिन ना मैंने रचना को देखा और ना ही मैंने उसकी फोटो देखी और इसके पीछे मॉम के पास उनकी एक वजह थी। लेकिन कैंप में जाने के बाद गुंजन मुझे लेटर्स लिखा करती थी रचना के नाम से। रचना बनकर मिली मुझसे। अब मैं बिल्कुल नादान इस बात से अनजान गुंजन को ही रचना समझ बैठा। And I started liking her, और गुंजन भी मुझे पसंद करने लगी। कब हम दोनों के बीच में प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। छोटे तुझे जरा सा भी अंदाजा है तू क्या कह रहा है? हाँ भाई मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और इसे कबूल करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अरे अपनी मंगेतर से प्यार करने में क्या डरना? गुंजन रचना कैसे बन सकती है? चाची जी मैंने रचना को कैफे में मिलने के लिए बुलाया था
लेकिन रचना की जगह गुंजन आई, तो आप ही मुझे बताइए मैं किसे रचना मानूंगा। कोई बहन ऐसा करती है क्या? सगी बहन जो नहीं है इसीलिए ऐसा किया इसने। हाँ दीदी, विहान जैसा सुशील सुंदर लड़का देखकर इस गुंजन का मन डोल गया होगा। एक मिनट चाची जी, मैं अपनी और गुंजन की एक मीटिंग के बारे में बता सकता हूं, बट प्लीज फॉर दैट आई नीड साइलेंस। भाई साहब, ये तमाशा यहीं बंद करा दीजिए, इसे सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, पर बात ही करनी है तो अंदर जाकर सारे परिवार वाले अकेले में बात करते हैं। अरे क्यों क्यों रोक देना चाहिए, बोलने दीजिए ना सच, ताकि सबके सामने इस लड़की का पर्दाफाश हो, कौन सच्चा है और कौन झूठा सबको पता लगना चाहिए। ये भाई का मजा, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। सॉरी गर्ल्स, आज मुझे सबके सामने सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा, और फिर ये सब अपने इनसे क्या छिपाना। सो हुआ ये कि मेरे एब्सेंस में मेरी मॉम ने मेरी शादी फिक्स की। अब मेरा मन हुआ कि मैं उस लड़की को जानूं, तो मैंने रचना को फोन किया, मिलने के लिए बुलाया। जी मुझे मिस्टर जयाल की बेटी से बात करनी है। 4 o'clock, टाफे वर्ल्ड, साजन सिनेमा के पास। हाय, मैं मिस्टर दयालगर की बेटी हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह विहान अग्रवाल को बुद्धू बनाया गया और गुंजन की चाल कामयाब हुई। जब तुम्हारी शादी रचना से तय हुई है तो गुंजन से प्यार और सगाई कैसे मुमकिन है? मैं आंटी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस तरह मस्ती मजाक में की हुई बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता। एंड गुंजन, गुंजन ने उस दिन पार्टी के बाद तुमसे सॉरी कहा था, है ना? एंड प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें यहां आने से पहले पता नहीं था कि तुम्हारी सगाई रचना से होने वाली है या गुंजन से। तुम अब बच्चे नहीं रहे कि तुम्हें हर चीज सिखाई जाए। भाई लेकिन नहीं विहान, बस दिस इज नॉट डन। अगर तुम्हें और गुंजन को एक दूसरे से प्यार था या प्यार है तो पहले बताते, इस तरह सबके सामने तमाशा खड़ा करने का ये कोई तरीका नहीं है। बस टू मच है, अब हमारे बेटे से कोई कुछ भी नहीं कहेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी कहना समझाना है इन लड़कियों को समझाएं, इन लड़कियों ने जिन्होंने एक्स्ट्रा होशियारी दिखाई है। माय डियर विहान को ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है, बुद्धू बनाया है। माय डियर विहान तो भोला है, वो गुंजन को ही रचना समझ बैठा, उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसे मेरी मॉम ने मेरे लिए चूज किया है। वो ओबीडियंट है, औरों की तरह नहीं जिन्हें अपने पेरेंट्स की परवाह ही नहीं। ठीक है, हमारी बेटियों ने गलती की है, आपकी नजर में जो सजा सही है दीजिए इन्हें, ऐसी गलती की सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। माना कि हमारी बेटियों से लड़कपन में गलती हुई, लेकिन यह कोई गेंद या चीज नहीं है जिसे यहां से वहां फेंका जाए। और विहान बेटा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे गुंजन के दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था। गुंजन, तुम चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? ये विहान क्या बोले जा रहा है? सबके सामने कह दो गुंजन की ये जो कुछ भी कह रहा है झूठ कह रहा है, वरना तुम्हारी चुप्पी का हम लोग क्या अर्थ निकालेंगे।
गुंजन तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं, बोलो बेटा। बस कीजिए, अब गुंजन से कोई कुछ नहीं पूछेगा। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। हाँ, नादानी में इससे गलती हुई थी, जिसके लिए आप सबसे माफी मांग चुकी है ना, और इसकी तरफ से हम भी आप सबसे माफी मांगते। वो सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। इसके लिए इसे चारों ओर से घेरने की जरूरत नहीं है और ना ही इस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने की। सेल घर के नाम पे कुरियर आया है। दीदी देखिए ना, कोई जरूरी चिट्ठी होगी, वरना कोई कोरियर क्यों करेगा। हाँ चाची, यू आर राइट। रेहान, तुम्हारे पास चाहे जितने ही कॉल्स और मैसेजेस क्यों ना हो गुंजन के, इससे कुछ साबित नहीं होता। वैसे भी गुंजन के फोन से तो कोई भी कॉल कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तुम खुद कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फोन से कुछ भी साबित नहीं होता, लेकिन फोटोग्राफ से सब कुछ साबित होता है। यहाँ कोरियर में आया है शैल दीदी के लिए। ये किसकी फोटो है, जरा देखे। एक मिनट पापा, पहले मम्मी तो देख ले। क्या सब लोग फोटो देखे जा रहे हैं? इस फोटो का क्या मतलब है, ये उससे पूछो जिसके ये फोटो है, और इसका जवाब हमें अभी और इसी वक्त चाहिए। What's wrong with you, रचना? गुंजन को देखो, कितने पैशन और एनर्जी के साथ डांस करती है, तुम ऐसा डांस क्यों नहीं कर सकती? प्लीज आंटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रचना से शादी करके मैं बहुत बड़ी भूल करता, ना मैं खुश रहता ना वो खुश रहती। मैं जानता हूं कि ये बात को अभी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। विहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिस रिश्ते में प्यार नहीं उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, कोई भविष्य नहीं होता,
विहान को ये अंगूठी मैं पहना दूंगी। सपने जो देखे I'm sorry। ये बात ऐसे सबके सामने आई, मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला है। या मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हर बार की तरह इस बार भी मुझे समझेंगी। नहीं कुंजन, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये तुम नहीं कुंजन, कोई और बोल रहा है। कुंजन, मुझे क्या भूल हो गई थी? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जो तुमने ये सब कुछ किया, क्यों कुंजन, क्यों? वाह बेटी, क्या अच्छा सिला दिया है तुमने हमारे प्यार और विश्वास का। ऐसी कि इसी काम में माहिर है। इसने हमारी सगाई भी तो तोड़वाई थी। और कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुकी हो गुंजन तुम? आज अपनी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तुम हमारी बेटी हो। हम तुम पर विश्वास करते हैं गुंजन। तुम हो कि ची मम्मी, आपने किसी की बात सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो आज इतने सारे लोगों के बीच ये नौबत नहीं आती। खबरदार, खबरदार जो हमें मौसी कहा तो आज के बाद मर गई तुम्हारी मौसी। आंटी जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं रचना से प्यार नहीं करता, तो मैं क्या उससे शादी करके खुश रहता? नहीं, रचना मेरे टाइप की लड़की नहीं है। गुंजन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और कम से कम आपके घर की एक बेटी तो हमारे घर आ ही रही है। क्या गुंजन की खुशी में खुश नहीं है? बस करो विहान, जितनी गलती गुंजन की है उससे शायद कहीं ज्यादा गलती तुम्हारी भी है। कानूनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शैल जी, जी हाँ, आपके बेटे की भी उतनी ही गलती है। बिल्कुल, ये बात तो तुम हमें पहले भी बता सकते थे। बेस्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शैतानी की आपकी लड़कियों ने, बेहुद्दी की आपकी बेटियों ने, और गलत माय डियर भी। हाँ, और अब माय डियर विहान को रचना की जगह गुंजन पसंद आ गई है तो तुम चुप रहो सावित्री। आप चुप रहिए जी। वैसे तो आप बड़ा कहती फिरती हैं कि आपके लिए दोनों लड़कियां समान हैं, कोई भेदभाव नहीं करती, तो अब क्या हुआ, कहां गया आपका प्यार, आपकी ममता? फाइनली हम सबको बता दें, माय डियर विहान की पसंद ही हमारी पसंद है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।